हेलो गाइस, स्वागत है आपका एम के वीडियो चैनल पर। और आज हम आए हैं एक एग्रीकल्चर की बुक के रिव्यू को लेके। काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि बुक के बारे में बताइए, रिव्यू बताइए ख़रीदने से पहले कि बुक वो कितनी अच्छी है कितनी। हालांकि कोई बुक बेकार तो नहीं होती, लेकिन हम जानेंगे उसके इंडेक्स के बारे में, क्या क्या उसके अंदर सब्जेक्ट दिए हुए हैं और कितनी अच्छी है कितनी बेनिफिशियल है। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की बुक, जो कि एक एग्रीकल्चर की है और SR कानपुर के द्वारा लिखी गई है। तो उसके SR कानपुर की है, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप एंट्रेंस मोस्टली अगर एंट्रेंस की बात करें, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं फॉर्म MSc के लिए, खासकर UP कैडेट वगैरह या CUT वगैरह भी हो गया, काफ़ी अच्छी बुक है उसकी प्रिपरेशन के लिए, आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें इसके इंडेक्स की, तो इसमें इंडेक्स में आते हैं तो इसका जो प्राइस है, अगर सबसे पहले प्राइस की बात करें तो बुक पे तो लगभग 440 रुपये दिया गया है, लेकिन वेरी करता है। आप अगर इसको ऑनलाइन मंगाते हैं अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट तो वेरी करता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लगभग 400, 350 तक 350 तक की आपको बुक मिल जाएगी। लेकिन कहीं आप पर्सनली कहीं शॉप से जाकर खरीद सकते तो हो सकते तो थोड़ा और कम रेट में मिल जाए। हालांकि मेरे पास ये 21 एडिशन है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है इनमें, कुछ ही क्वेश्चन ऐड होते हैं बस, या एग्ज़ाम पेपर जो पेपर आए हुए वही ऐड होता है। फिर उसमें चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे अगर चलते हैं, न्यू विशाल इसका जो पब्लिकेशन है वो है न्यू विशाल पब्लिकेशन। तो इसके इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता दूँगा कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। इसमें है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, किसी भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन के जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं कॉम्पिटिशन के, उसमें भी एग्रोनॉमी है, सोयल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, एनवायरनमेंट साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस, फिशरी साइंस, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और मोल्टीकल्चर बायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन इसमें ये ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है, ये आप देख सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी की ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप है, और सबसे अच्छी बात है कि इनके जो आंसर हैं वो बुक के नीचे दिए गए हैं, आपको बार बार कहीं पेज लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा मानना यह है, अगर आप एंट्रेंस देते हैं फॉर्म MSc के लिए या फिर JRPL तो क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, उसके लिए तो सफिशेंट नहीं है ये। अगर आप किसी भी स्टेट का या फिर सेंट्रल का MSc का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है उसके लिए काफ़ी बेस्ट बुक है। हालांकि आप अदर बुक भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको लीजिए, एंट्रेंस की तैयारी कीजिए। अभी अगर मैं आपको अपनी बताऊँ तो मैंने UP कैडेट का एग्ज़ाम दिया था, UP कैडेट का एग्ज़ाम दिया था मैंने, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि नीमराज सुंदा वगैरह पढ़िए, मैंने सिर्फ एक ही बुक बाय की, मैंने यही की और इसी से प्रिपरेशन की। लेकिन मानिए लगभग 100 में से 70-75 क्वेश्चन इसी बुक से थे, वो सबसे बड़ी बात एज इट इज़ थी, ना लैंग्वेज चेंज थी और ना ही जो उनके ऑप्शन थे ऑप्शन भी चेंज रहे थे, सब कुछ एज इट था, बिल्कुल ऐसे के सेम टू सेम था। तो आप उसको बाय कीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है, मैं ये नहीं मानता, आप उसको एज अ पढ़ने के लिए लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया सबसे वो, हाँ इसके आखिरी में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी दिए गए हैं, मान लो जैसे BHU का 2016 से लेके, हाँ अगर बात करें 2003 से लेके, मान लो हॉर्टिकल्चर JRF के जितने भी पेपर हैं 2003 से लेके अभी तक सारे अवेलेबल हैं, हर चीज़ के यहाँ पेपर एग्ज़ाम पेपर अवेलेबल है, ICR JRF एग्रोनॉमी 2010 से लेकर अभी तक का अवेलेबल है, इसे देखते हैं तो ICR JRF 2000
देखता हूँ यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में क्या दिया हुआ है, एसीआर जनरल मेमोरी पेज मेमोरी बेस्ड पेपर दिए गए हैं। लेकिन सब मतलब काफ़ी अच्छे बुक है, आप लीजिए। थैंक यू। इफ एनी, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो या आपकी कोई और बुक के जानना, आपको किसी और बुक के बारे में जानना हो तो कमेंट कर दीजिए, हम ज़रूर उस बुक को, उस बुक के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।